तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज के बारे में जी हाँ दोस्तों जिसका टाइटल एक तरह से रखा गया है स्कूल ऑफ लाइफ जी हाँ दोस्तों इसे डिजनी हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर उतारा गया है दोस्तों जिस प्रकार से डिजनी हो, हो स्टार से जो एच बी ओ के राइड्स है वो चले गए हैं साथ ही साथ आई पी एल जो आता था डिजनी हॉट स्टार पर आप देखते थे उसे भी जियो सिनेमा ने छीन लिया है यानी दो चपेट इस पर पड़ चुकी है लेकिन फिर भी डी नी हॉट स्टार हार मानने को एक तरह से राजी नहीं है इसने कई स्ट्रैटेजी अपनाई उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इस सीरीज के बारे में बात करेंगे जो कि डीनी हॉट स्टार पर आपको देखने को मिली तो मैं आपको बता दूँ इसी के साथ इसने एक तरह से अपने आप को उभारने के लिए डीनी हॉट स्टार ने अपनी खुद की एक तरह से नई सीरीज़ जो बनाई है जैसा कि केरला क्राइम एक सीरीज आपको देखने को मिली हाल ही और ऐसी और खुद के प्रोडक्ट एक तरह से लॉन्च कर रहे हैं साथ ही साथ ओ मूवी एक तरह से लॉन्च हो रही है इस पर और साथ ही साथ अभी इनके पास और एक तरह से गेमों के राइट है आई के सिर्फ जियो सिनेमा के पास पास है बाकी एक तरह से और भी जो गेम्स आते हैं चेस लूडो और ऐसे एक तरह से बास्केटबॉल सारे के सारे राइट अभी डिजनी के पास है यानी आप वहाँ ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी जाकर देख सकते हो तो आज हम इसके इस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं साथ ही साथ और भी अपडेट मैं लाता रहूंगा इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो भी मैं बना दूंगा यदि आप चाहते हो तो तो आज इस सीरीज के बारे में बात करते हैं बेसिक डिटेल से हम मैं आपको इसको एक तरह से बताना चालू करता हूँ स्कूल ऑफ लाइज एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा रहस्य थ्रिलर स्ट्रीमिंग टेलीविजन अरुण और ईशानी बनर्जी द्वारा बनाई गई है और अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित है इसमें निमरत कौर आमिर बशीर वरिन रूपाणी दिव्यांश द्विवेदी आर्यन सिंह अहलावत, वीर पचीसिया सोनाली कुलकर्णी हेमंत खेर पार्थिव शेट्टी अद्रिजा सिन्हा आलेख कपूर और अन्य शामिल हैं। कास्ट स्कूल नंदिता मेहरा के रूप में निमरत कौर आमिर बशीर स्कूल मास्टर सैम सिंह के रूप में टीके के रूप में आर्यन सिंह अहलावत वरिन रूपानी विक्रम सिंह के रूप में शक्ति सालगावकर के रूप में वीर पच्चीसिया देव के रूप में शक्ति आनंद नंदिता का प्रेमी पल्लवी के रूप में सोनाली कुलकर्णी विक्रम की माँ गीतिका विद्या ओहल्याण त्रिषा के रूप में शक्ति की माँ प्रतिका के रूप में अद्रिजा सिन्हा विक्रम की प्रेमिका भोला के रूप में नितिन गोयल विजय कुमार डोगरा एस आई प्रकाश के रूप में अनिरुद्ध के रूप में जितेंद्र जोशी शक्ति के पिता चंचल के रूप में दिव्यांश द्विवेदी टीके के चाचा के रूप में हेमंत चौधरी शाजिथ मूसा विक्रम के वकील के रूप में दी इंडियन की शुभरा गुप्ता ने लिखा कुछ मास्टर्स और छात्रों के बीच क्रूर अनुशासन बंधन का चित्रण उतना प्रभावशाली नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए था दूसरा उस दर्द को चित्रित करने का एक प्रयास है जो बेफाई से आता है आठ एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने श्रृंखला को पांच में से चार स्टार दिए और लिखा नाखुश या भ्रमित मन की स्थिति के नतीजे अध्ययन की गई बाहरी मुद्रा और उग्र आंतरिक उथल पुथल के बीच विरोधाभास और मित्रता का परीक्षण और गंभीर विश्वासघात को प्रभावी ढंग से बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया गया है क्षतिग्रस्त जीवन का चित्रण नौ no. हिंदुस्तान टाइम्स के लिए शांतनु दास ने लिखा एक जड़हीनता है जिसके साथ लंबे समय तक चलने वाला और दोहराव वाला झूठ का स्कूल संचालित होता है पटरियों की आवाज को नियोजित करने के लिए स्कूल रेलवे स्टेशन के पास कहीं भी स्थित हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा का कोण शक्ति के साथ जाने वाला स्थानीय बच्चा जिसे हम वर्तमान समय में कहानी के समानांतर ट्रैक में अनुसरण करते हैं आश्चर्यजनक रूप से अधूरा छोड़ दिया गया है दस इंडिया टुडे एक आलोचक ने पांच में से तीन स्टार रेटिंग दी और लिखा शो के बारे में कुछ खामियों में से एक यह है कि अलग अलग कहानियों को कैसे जोड़ा जाता है और हर स्पष्टीकरण आपकी जिज्ञासा को शांत नहीं करता है आप एक चरित्र के बारे में अधिक जानना चाहेंगे लेकिन पहले आपके पास उत्तर है शो पहले ही किसी दूसरे रास्ते, दूसरे रास्ते पर चल चुका होगा ग्यारह तवीक दर्शकों को कुछ बिंदुओं पर निराशा भी महसूस हो सकती है जहां वे वर्तमान स्थिति से फ्लैशबैक को अलग करने में सक्षम नहीं होंगे हालांकि यह रणनीति प्रभावी ढंग से रहस्य को बनाए रखती है बारह फिस्टपोस्ट ने लिखा कहानी आशाजनक रूप से तनावपूर्ण है लेकिन दुर्भाग्य से प्रदर्शन सभी ऑटो पायलट हैं भावनाओं को कम करके अधिक रोमांचित करना स्पष्ट वायुमंडलीय तनाव पैदा करने के लिए निर्माताओं का फंडा प्रतीत होता है इसके अलावा श्रृंखला जिस काल्पनिक शहर पर आधारित है उसकी उदासी एक बिंदु के बाद नीरस और निष्प्राण महसूस होने लगता है सेट मुझे सुजॉय घोष की कहानी दो में ले गया जहां एक जिज्ञासु महिला उस आघात के बारे में गहराई से जानना चाहती थी जिससे एक बच्चा पीड़ित था तेरा टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने लिखा हरे भरे परिवेश की लुभावनी सुंदरता अपने आप में एक चरित्र बन जाती है जो शो की कहानी की रहस्यमय प्रकृति को बढ़ाती है हालांकि कथानक हल्की अप्रत्याशितता पेश कर सकता है लेकिन यह प्रभावी रूप से दर्शकों को व्यापक रूप से निवेशित रखता है एक घोटाले की कहानी जो स्कूल में व्याप्त है चौदह स्क्रॉल डॉट इन ने लिखा शो अनसुलझे मुद्दों बचपन के आघात और बार बार व्यवहार पैटर्न के प्रति झुकाव के खतरे पर जोर देता है लेकिन दृश्य प्रभाव और विशिष्ट आश्चर्य का विकल्प चुनता है कथा को अधिशेष पात्रों और साइड प्लॉट के साथ जोड़ता है 15. टीवी ने लिखा हालांकि गति थोड़ी और तेज हो सकती थी शो आपको अपनी ओर खींचने में कामयाब होता है हालांकि स्कूली बच्चों के बीच वयस्कों जैसी बातचीत असंबद्ध प्रतीत होती है सोलह वे ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की और लिखा युवा लड़कों का प्रदर्शन सराहनीय है चाहे वह वीर पचीसिया वरुण रूपाणी या आर्यन सिंह अहलावत हो उन सभी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और शो के रत्न हैं। बशीर निमरत नितिन गोयल और सोनाली कुलकर्णी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है सत्रह अविनाश अरुण एक भारतीय छायाकार और फिल्म निर्देशक हैं एक सिनेमेटोग्राफर के रूप में उन्होंने दृश्यम मदारी और हिचकी जैसी हिंदी फिल्मों की शूटिंग की है उनकी पहली निर्देशित मराठी फिल्म किला को 64वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बच्चों की जूरी द्वारा क्रिस्टल बियर से सम्मानित किया गया था इस फिल्म को बासठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म भी दिया गया एक दो प्रारंभिक जीवन अविनाश अरुण एफटीआईआई पुणे से सिनेमेटोग्राफी स्नातक हैं तीन कैरियर 2013 में अविनाश ने लघु फिल्म दैट डे आफ्टर एवरी डे में काम किया उन्होंने 2015 की फिल्म मसान में सिनेमेटोग्राफी के निर्देशक के रूप में भी काम किया है वह मनीष मुंद्रा की अनटाइटल्ड फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे हैं चार अविनाश ने वर्ष 2020 में अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित वेब सीरीज लोक का निर्देशन किया आमिर बशीर एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं प्रारंभिक जीवन और शिक्षा बशीर का जन्म और पालन पोषण कश्मीर में हुआ वह जम्मू उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के पुत्र थे वह दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से स्नातक हैं कैरियर उनका अभिनय करियर भंवर टीवी श्रृंखला और कई टीवी विज्ञापनों में एक छोटी भूमिका के साथ शुरू हुआ जिसके बाद उनकी पहली फिल्म स्प्लिट वाइड ओपन उन्नीस सौ निन्यानवे और टेलीफिल्म दूरदर्शन श्रीनगर आई वह 2003 की फिल्म अरमान में दिखाई दिए दो दो में थ्रिलर ए वेडन्सडे से उन्हें प्रशंसा मिली जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर निभाई फिल्म ने उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड्स नामांकन भी दिलाया तीन चार बशीर फिल्म माय नेम इस खान में शाहरुख खान के छोटे भाई की भूमिका निभाने वाले थे लेकिन दिसंबर 2008 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का वीजा देने से इनकार कर दिया गया जहां फिल्म की शूटिंग चल रही थी पांच अंत उनकी जगह जिमी शेरगिल को खान के छोटे भाई के रूप में नियुक्त किया गया छ 2010 में बशीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म हारुद का प्रीमियर 2010 हजार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म में रेजा नाजी और शाहनवाज भट्ट हैं और यह कश्मीर में घटित होती है एक दो साथ इसने साठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उर्दू फीचर फिल्म पुरस्कार जीता आठ नेटफ्लिक्स की पहली भारतीय मूल श्रृंखला सेक्रेट गेम्स में उनकी आवर्ती भूमिका थी 2019 में उन्होंने सेक्रेट गेम्स के दूसरे सीजन में अपनी भूमिका दोहराई और एक अन्य अमेज़न प्राइम सीरीज इनसाइड एज में दिखाई दिए नौ उस वर्ष बाद में वह मीरा नायर की ए सूटेबल बॉय के कलाकारों में शामिल हो गए अभिनय डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे 2020 हजार बीस अमित इनसाइड एज सीजन दो हजार उन्नीस भाई साहब बटा यशवर्धन पाटिल लाल कप्तान 2019 हजार उन्नीस खान सिक्रेट गेम्स 2018 हजार अठारह माजिद खान गुड़गांव 2017 हजार सत्रह भूपी हैदर दो हजार चौदह लियाकत लोन फ्यूचर टू है जी दो हजार बारह अजय कुमार पीपली लाइव दो हजार दस विवेक रात गई बात गई दो हजार नौ प्रसाद एक बुधवार 2008 जय प्रताप जयप्रताप सिंह पीआई द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई 2007 हजार सात फ्रोजन दो कमांडिंग प्यार के साइड इफेक्ट्स 2006 कपिल शर्मा रिश्ते टीवी सीरीज सिर्फ तुम सीजन एक इसे कहते हैं गोलमाल घर टीवी सीरीज 2004 अरमान 2003 डॉक्टर संजय सरहदें टीवी श्रृंखला 2002, चतुर और अकेला 2002 आदित्य स्प्लिट वाइड ओपन उन्नीस सौ निन्यानवे द हस्बैंड, अल्पविराम टीवी श्रृंखला उन्नीस सौ अट्ठानवे अंटारल टीवी श्रृंख गीतिका विद्या ओहल्यान एक भारतीय अभिनेत्री हैं उन्होंने क्राइम ड्रामा फिल्म सोनी 2018 में अभिनय किया जिसमें उन्होंने दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने वाले एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई एक दो वह अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म थप्पड़ 2020 में भी दिखाई दींगा दो हजार ए सूटेबल बॉय 2020 हजार नेटफ्लिक्स सीरीज झूठ का स्कूल 2023 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ओहल्याण के पिता हरियाणा में थिएटर फेस्टिवल करते थे उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया जहां वह अपने कॉलेज की थिएटर सोसाइटी में शामिल हुई दो और अपनी पढ़ाई के दौरान निर्देशन और स्क्रिप्ट लिखी एक ओहल्यान ने 2012 में अंग्रेज़ी साहित्य में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की दो ओहल्यांस के कॉलेज मित्र और सोनी के सहायक निर्देशक गौतम अरोड़ा सबसे पहले उन्हें इस भूमिका के लिए सुझाव देने वाले थे ओहल्यान उससे पहले ही स्क्रिप्ट से परिचित हो चुकी थीं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में कुछ काम किया था उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में कहा इसे पढ़ते ही मुझे तुरंत इससे प्यार हो गया यह जानकर कि फिल्म वास्तव में क्या कहना चाह रही थी उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत क्राइम ड्रामा फिल्म सोनी 2018 से की जिसमें उन्होंने दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने वाली एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई दो वह फिल्म थप्पड़ 2020 में भी दिखाई दी और निर्देशक गौरव मदान की आगामी फिल्म बराह में भी दिखाई देंगी एक ओहल्यान ने सोनी में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स च्वाइस फिल्म पुरस्कार जीता तीन चार व्योन न्यूज ने कहा कि ओहल्यान अपनी भूमिकाओं से सभी रूढ़ियों को तोड़ रही हैं निमरत कौर एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों और अमेरिकी टेलीविजन पर दिखाई देती हैं उन्होंने अपना करियर एक प्रिंट मॉडल के रूप में शुरू किया और थिएटर में अभिनय किया कुछ फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका के बाद कौर ने अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन पेडलर्स में अभिनय किया जिसे 2012 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था इसके बाद उन्होंने द लंच बॉक्स में अपनी सफल भूमिका निभाई जो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा थी जिसमें उनके सह कलाकार इरफान खान थे जिसे 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2015 में कौर ने अमेरिकी टेलीविज़न श्रृंखला होमलैंड के चौथे सीजन में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई एजेंट तस्नीम कुरैशी की आवर्ती भूमिका निभाई इसके बाद उन्होंने युद्ध थ्रिलर एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार के साथ सह अभिनय किया 2016 में कौर ने अमेरिकी टेलीविज़न श्रृंखला विवाड पाइंट्स के दूसरे सीजन में रेबेका गेडलिन का किरदार निभाना शुरू किया वह फरवरी 2020 में नियमित श्रृंखला के रूप में होमलैंड के आठवें और अंतिम सीजन के लिए लौटी कौर का जन्म राजस्थान के पिलानी में एक सिख परिवार में हुआ था एक दो तीन उनके पिता मेजर भूपिंदर सिंह ऐसी एक भारतीय सेना अधिकारी थे और उनकी एक छोटी बहन रूबीना है जो बेंगलोर में एक मनोवैज्ञानिक है चार उनका परिवार पटियाला में रहता था और उन्होंने यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला से पढ़ाई की उन्नीस सौ चौरानवे में उनके पिता का कश्मीरी आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी पांच इसके बाद उनका परिवार दिल्ली उपनगर नोएडा चला गया जहां वह बड़ी हुई और दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ाई की बा दमे उसने अध्ययन किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में भी कॉम ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की अपनी पढ़ाई के बाद कौर मुंबई चली गई और एक प्रिंट मॉडल के रूप में काम किया उन्होंने एक थिएटर अभिनेत्री के रूप में बगदाद वेडिंग 2012, ऑल अबाउट वुमेन और रेड स्पैरो जैसे नाटकों में काम करना शुरू किया सुनील शानबाग और मानव कॉल जैसे निर्देशकों के साथ काम किया साथ, कौर को 2004 में कुमार शानू के तेरा मेरा प्यार और श्रेया घोषाल के ये क्या हुआ गाने के लिए दो भाग के संगीत वीडियो में लॉन्च किया गया था वीडियो लेखक संपादक अपूर्व असरानी द्वारा निर्देशित किए गए थे दो आठ उन्होंने टीवी विज्ञापन भी किए नौ कौर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक अंग्रेजी फिल्म वन नाइट विद द 2006 में एक छोटी सी भूमिका के साथ की जिसकी शूटिंग राजस्थान में हुई थी उनकी हिंदी फिल्म की शुरुआत 2012 में अनुराग कश्यप द्वारा निर्मित पेडलर्स से हुई फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में अच्छी समीक्षा के साथ प्रदर्शित किया गया था दस कौर तब लोगों के ध्यान में आई जब वह कैडबरी सिल्क के विज्ञापन में दिखाई दीं ग्यारह कौर ने ऐतिहासिक रोमांटिक फिल्म द 2013' के लिए दूसरी बार कांस महोत्सव में भाग लिया एक दिसंबर 2013 14 चौदह फिल्म व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रही पंद्रह सोलह कौर को एक अकेली पत्नी के चित्रण के लिए बहुत प्रशंसा मिली जो पत्रों के माध्यम से एक आदमी इरफान खान द्वारा अभिनीत के साथ दोस्ती शुरू करती है सत्रह रेडिफ कौम के राजा सेन ने कौर के प्रदर्शन के बारे में कहा यह बेहद स्वाभाविक प्रदर्शन है जिसे भूलना असंभव है और इसका विश्लेषण करना मुश्किल है और इस सीमित स्थान में कोई केवल प्रशंसा व्यक्त कर सकता है अठारह वैरायटी के जे विस्बर है उज्ज्वल उपस्थिति कहा गया और द टेलीग्राफ के प्रतिनिधि गुप्ता ने कहा कि निमरत ने चरित्र को गरिमा और अनुग्रह देने के लिए सारी भावुकता को त्याग दिया यह एक शानदार शुरुआत है 1920 बीस दो में कौर अमेरिकी टीवी श्रृंखला होमलैंड के चौथे सीजन में आईएसआई एजेंट तस्नीम कुरैशी के रूप में दिखाई दी 21-22 उसी वर्ष उन्होंने सौरभ शुक्ला द्वारा निर्देशित एक अनाम मनोवैज्ञानिक नाटक में राजकुमार राव के साथ अभिनय करने की प्रतिबद्धता जताई तेईस चौबीस पर विश्वास का संकट 25 फिल्म वित्तीय रूप से सफल रही 26 कौर ने 2016 में अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला बेवाड पाइंस के दूसरे सीजन में रेबेका गेडलिन का किरदार निभाना भी शुरू किया बाईस सत्ताईस दो हजार सत्रह में कौर ने हिंदी वेब श्रृंखला द टेस्ट केस शिखा शर्मा के रूप में अभिनय किया बाईस अट्ठाईस उनतीस वह फरवरी दो हजार बीस में नियमित श्रृंखला के रूप में होमलैंड के आठवें और अंतिम सीजन के लिए लौटी बाईस तीस इकतीस उनका नवीनतम प्रोजेक्ट अभिषेक बच्चन और यामी गौतम के साथ नेटफ्लिक्स हिट दसवीं है उन्हें सीएम की डरपोक पत्नी के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए बहुत प्रशंसा मिली जो अपने पति को धोखाधड़ी के आरोप में जेल जाने पर खुद को सीएम नियुक्त पाती है 2005 हजार यहाँ समाचार एंकर साक्षात्कार करता दो राजा के साथ एक रात सारा 2010 सामना करना लघु फिल्म 2012 विक्रेताओं कुलजीत कुलजीत जी तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर कई सारे कैरेक्टर देखने को मिले हैं साथ ही साथ इसके अंदर आपको अमीर बसी साथ ही साथ इसी के साथ गीता विधि औल्थन और निर्मित कौर साथ ही साथ आपको इसमें शक्ति आनंद भी देखने को मिले हैं साथ ही साथ सीरीज की बात की जाए तो सीरीज के अंदर तकरीबन सेक्शन वन आ चुका है और इसके अंदर तकरीबन आठ एपिसोड है और आठों एपिसोडों की लेंथ की बात की जाए तो पर एपिसोड लेंथ एक तरह से चालीस से पचास मिनट की लेंथ है साथ ही साथ दोस्तों इसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और तकरीबन दो से तीन एपिसोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे और अब बचे कुचे जितने भी एपिसोड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और साथ ही साथ सेक्शन टू के बारे में जो अपडेट है निकल कर आ रही है वो सारी की सारी मैं आपको बताता हूँ तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों अब इनके बारे में जानना चालू करते हैं शक्ति आनंद जन्म 23 सितंबर 1975 एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं। वह तेनाली रामा सारा आकाश संभव असंभव और एक लड़की अनजानीसी जैसे विभिन्न टेलीविजन शो दिए एक अभिनेता ने 2004 में क्राइम रियलिटी शो क्राइम पेट्रोल सीजन की भी मेजबानी की आनंद का जन्म 23 सितंबर 1975 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था उन्होंने दिल्ली में तमिल एजुकेशन एसोसिएशन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और विज्ञान स्ट्रीम में पढ़ाई की उसके बाद उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की शक्ति को टेलीविजन शो सास भी कभी थी में अभिनय करने का प्रस्ताव तब मिला जब वह दिल्ली में जी कैपिटल के साथ मेडिकल परीक्षक के रूप में काम कर रहे थे पांच उन्होंने दीपक शर्मा द्वारा निर्मित और दूरदर्शन के लिए संजीव खन्ना द्वारा संपादित टेलीफिल्म नयन ज्योति में एक अंधे लड़के की भूमिका निभाई शक्ति और उनकी पत्नी साई देवधर ने सेलिब्रिटी डांस शो के पहले सीजन में भाग लिया था सीरियल गोद भराई में उन्होंने शिवम नाम का किरदार निभाया था एक अभिनेता ने भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप नामक डेली सोप उदय सिंह की भूमिका में काम किया था उन्होंने लाइफ ओके शो सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस में भी काम किया है शक्ति को टीवी पर शो गंगा में शिव के रूप में और सोनी सब पर प्रसारित लोकप्रिय तेनाली रामा में सम्राट बालाकुमार के रूप में भी देखा गया था आनंद को आखिरी बार शो में अंब सिंह का किरदार निभाते हुए देखा गया था चन्ना मेरिया जो स्टार भारत पर प्रसारित हुआ मार्च 2022 से वह जी टीवी के कुंडली भाग्य में जेनरेशन लीप शक्ति अरोड़ा की जगह करण लूथरा का किरदार निभा रहे हैं आगे वीडियो के अंदर हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बताने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीक जन्म 19 मई उन्नीस एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं तीन चार उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012, हज़ार बारह द लंच बॉक्स दो रमन राघव दो दशमलव शून्य दो हजार सोलह और मंटो 2018 हज़ार अठारह में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है उनकी आठ फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जा चुकी हैं। साथ उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक फिल्म फेयर पुरस्कार और दो फिल्म फेयर ओ पुरस्कार शामिल हैं सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को तीन भारत के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से शहर बुढ़ाना में हुआ था आठ नौ लंबरदारों के एक जमींदारी मुस्लिम परिवार में तीन आठ वह आठ भाई बहनों में सबसे बड़े हैं दस उन्होंने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय उत्तराखंड में बिताया ग्यारह बारह उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की तेरह इसके बाद नई नौकरी की तलाश में दिल्ली जाने से पहले उन्होंने एक साल तक वडोदरा में एक रसायनज्ञ के रूप में काम किया एक बार दिल्ली में एक नाटक देखने के बाद वह तुरंत अभिनय की ओर आकर्षित हो गए नई दिल्ली में नेशनल स्कूल एनएसडी में प्रवेश पाने के प्रयास में तेरह उन्होंने प्रवेश के मानदंडों में से एक को पूरा करने के लिए दोस्तों के एक समूह के साथ दस से अधिक नाटकों में अभिनय की या जिसमें देहरादून में एक नाटक भी शामिल था ग्यारह तीन वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र हैं सिद्दीकी की पहली फीचर फिल्म 2012 में निर्देशक प्रशांत भार्गव के साथ थी 14 उन्होंने ब्लैक फ्राइडे 2007, कहानी 2011, 2012 गैंग्स ऑफ वासेपुर डुलॉजी और रमन राघव दो शून्य 2016 में अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की अभिनेता ने कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक आईफा पुरस्कार और दो फिल्म फेयर पुरस्कार साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय एमी के लिए नामांकन भी शामिल है पंद्रह उन्होंने दो एमी में अभिनय किया है नामांकित श्रृंखला सेक्रेट गेम्स 2019, 16 और ब्रिटिश मैकमाफिया सिद्दीकी नई दिल्ली में नेशनल स्कूल गए एक साथ एक नौ 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 में स्नातक होने के बाद वह मुंबई चले गए अठारह उन्होंने साल उन्नीस सौ निन्यानवे में आमिर खान अभिनीत फिल्म सरफरोश में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की उन्नीस इसके बाद वह राम गोपाल वर्मा की उन्नीस सौ निन्यानवे की फिल्म शूल और 2000 की फिल्म जंगल साथ साथ राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई एमबीबीएस दो हज़ार तीन में भी दिखाई दिए मुंबई आने के बाद उन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों में काम पाने की कोशिश की लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली बीस उन्होंने दो में एक लघु फिल्म द बाईपास किया जिसमें वह इरफान खान के साथ दिखाई दिए वांछित इसके अलावा 2002 और दो शून्य शून्य पांच के बीच उनके पास काफी हद तक काम नहीं था और वे एक फ्लैट में रहते थे जिसे वे चार अन्य लोगों के साथ साझा करते थे और कभी कभार अभिनय कार्यशालाएं आयोजित करके जीवित रहते थे दो शून्य दो शून्य शून्य चार में जो उनके संघर्ष के सबसे बुरे वर्षों में से एक था की किराया नहीं दे सके उन्होंने एनएसडी के एक वरिष्ठ से पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकते हैं वरिष्ठ ने उसे गोरेगाम उपनगर में अपना अपार्टमेंट साझा करने की अनुमति दी यदि वह उसके लिए भोजन पकाने को तैयार था 22. 2004 और 2007 के बीच सिद्दीकी की कुछ छोटी भूमिकाएं थीं जिनमें फिल्म ब्लैक फ्राइडे भी शामिल थी जो 2007 में आई थी और गोल्डन लेपर्ड के लिए नामांकित थी 2009 में वह फिल्म देव डी में इमोशन अत्याचार गाने में रंगीला की भूमिका निभाते हुए एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए उन्होंने रसीला पटना के प्रेसली के नाम से मशहूर के साथ युगल गीत प्रस्तुत किया उसी वर्ष वह न्यूयॉर्क में दिखाई दिए हालांकि यह अनुषा रिजवी की 2010 की फिल्म पीपली लाइव में एक पत्रकार की उनकी भूमिका थी जिसने पहली बार उन्हें का अभिनेता के रूप में व्यापक पहचान दिलाई दो तीन दो शून्य एक दो में वह प्रशांत भार्गव की पतंग द काइट में दिखाई दिए जिसका प्रीमियर हुआ बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और त्रिबेका फिल्म महोत्सव सिद्दीकी के प्रदर्शन की फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने प्रशंसा की 24 जिन्होंने कहा कि इस भूमिका ने उनकी अभिनय शैली को बदल दिया 25 और उन्होंने अभिनेता को थम्सअप ट्रॉफी से सम्मानित किया बाद में फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया और न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रशंसात्मक समीक्षाओं के साथ इसने बहुत ज्ञान आकर्षित किया छब्बीस इसके बाद सिद्दीकी की 2012 की फिल्म कहानी में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने कट्टर गुस्सैल खुफिया अधिकारी खान की भूमिका निभाई इसके बाद अनुराग कश्यप की गैंगस्टर महाकाव्य गैंग्स ऑफ वासेपुर आई जिसने अभिनेता की प्रसिद्धि को आगे बढ़ाया सत्ताईस उन्होंने आशिम अलवालिया की मिस लवली दुग्गल के रूप में अपनी पहली प्राथमिक भूमिका निभाई अट्ठाईस जिसका प्रीमियर 2012 के कांस फिल्म फेस्टिवल फिल्म उनतीस तीस इस भूमिका को सिद्दीकी ने अपना अब तक का सबसे वास्तविक प्रदर्शन बताया है इक्तीस इसके बाद सिद्दीकी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीक्वल बनाया दो में उन्होंने हॉरर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई बत्तीस द लंच बॉक्स का प्रीमियर 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स वीक में हुआ और उसे कई पुरस्कार मिले छह वह आमिर खान की 2012 रिलीज तलाश में दिखाई दिए उन्हें 2012 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष जूरी पुरस्कार तैतीस चौंतीस और 2013 में द लंच बॉक्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला 2014 में उन्होंने ब्लॉकबस्टर किक प्रतिद्वंद्वी शिव गजरा की भूमिका निभाई 35 2015 में सिद्दीकी की फिल्में बजरंगी भाईजान और मांझी द मैन और उनकी भूमिकाओं के लिए उनकी प्रशंसा की गई 2016 में रमन राघव दो दशमलव शून्य में उनके काम ने उन्हें स्पेन में फैंसिन मलागा अवार्ड पांच और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स 36 दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में जीता 2018 की फिल्म मंटो एक अभूतपूर्व प्रदर्शन थी जिसने उन्हें 2018 एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता छ मशहूर लेखक पाओलो कोएल्हो ने अपने ट्विटर फॉलोअर्स को सेक्रेट गेम्स की सिफारिश की है और नवाजुद्दीन के काम की सराहना करते हुए इसे महान अभिनेता नवाजुद्दीन के साथ नेटफ्लिक्स पर सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला में से एक कहा है सैतीस 2021 में उन्हें अमेरिकी बांग्लादेशी भारतीय फिल्म नो लैंड्स मैन में देखा गया था अड़तीस 2022 में सिद्दीकी हीरोपंती दो में नजर आए उनतालीस 2023 में उन्होंने भूमि पेड़नेकर के साथ अफवाह में नेहा शर्मा के साथ जोगिरा सारारारा में 40 और अवनीत कौर के साथ कंगना रनौत की टीकू वेड्स शेरू में अभिनय किया इकतालीस व्यक्तिगत जीवन सिद्दीकी की दो बार शादी हो चुकी है उनका अंजना किशोर पांडे नाम की एक महिला के साथ रिश्ता था जो 2007 में समाप्त हो गया उद्धरण वांछित सिद्दीकी ने फिर शिबा नाम की महिला से शादी की यह शादी लंबे समय तक नहीं चली और 2010 में दोनों का तलाक हो गया इस समय तक सिद्दीकी न्यू जर्जी सुजैन नाम की एक महिला को डेट कर रहे थे और उनका पूर्व मिस इंडिया सिंह के साथ भी एक संक्षिप्त रिश्ता था जिनके साथ उन्होंने दो फिल्मों में सह अभिनय किया था बयालीस सिद्धि की बाद में पांडे के साथ फिर से जुड़ गया और जब उसने इस्लाम अपना लिया और अपना पहला नाम बदलकर आलिया रख लिया तो उन्होंने शादी कर ली और उनके दो बच्चे हुए एक बेटी और एक बेटा तैतालीस हालांकि शादी जल्द ही टूट गई और मई 2020 में आलिया सिद्दीकी ने सोशल मीडिया की कि वह तलाक मांग रही है चवालीस पैंतालीस सिद्धिकी अपने छोटे भाई शमास नवाब छियालीस जो एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक हैं के साथ मुंबई में रहते हैं जब वह अभिनय में व्यस्त नहीं होते तो अपने गृहनगर बुढ़ाना में समय बिताना पसंद करते हैं जहां उनका एक खेत है उन्नीस मई 2021 के एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि अब वह अपने समय का बड़ा हिस्सा वहीं बिताते हैं अवनीत कौर जन्म 13 अक्टूबर 2001 एक एक भारतीय अभिनेत्री दो नर्तक और मॉडल हैं वह हिंदी टेलीविजन और फिल्म निर्माण में अपने काम के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना करियर शुरू किया और अपने काम और सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हासिल की वह अपनी कई भूमिकाओं में से मर्दानी में मीरा तीन चंद्र नंदिनी में चारुमती चार और अलादीन नाम तो सुना होगा में राजकुमारी यास्मीन की भूमिका के लिए जानी जाती हैं कौर ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में जी टीवी के डांस शो डांस इंडिया डांस लिटिल छह सात वह सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गईं। आठ इसके बाद उन्होंने डांस के सुपरस्टार्स में भाग लिया जहां वह डांस चैलेंजर्स की टीम में शामिल हुई नौ। कौर ने 2012 में लाइफ ओके मेरी मां दस से अभिनय की शुरुआत की जहां उन्होंने झिलमिल की भूमिका निभाई नौ फिर उन्होंने सब टीवी के टेढ़े हैं पर तेरे मेरे हैं में अभिनय किया एक शून्य दो शून्य एक दो में कॉर्ने कलर्स टीवी के सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में भाग लिया दस जहां वह दर्शील सफारी के साथ एक प्रतियोगी थी सात नवंबर 2012 वह इस शो में आने वाली सबसे कम उम्र की प्रतियोगी थी तेरह बाद में कौर को लाइफ ओके एक प्रेम कहानी में दिखाया गया जहां उन्होंने राजकुमारी दमयंती की भूमिका निभाई 6 अगस्त 2013 में कॉर्नेज़ी टीवी के एक मुट्ठी आसमान में पाखी की भूमिका निभाई चौदह पंद्रह वह जीक्यू के द वीकली रैप बुलेटिन में भी दिखाई दी आठ कौर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2014 में प्रदीप सरकार की मर्दानी से की थी नौ no. सितंबर 2014 में उन्होंने सोनी पल की हमारी सिस्टर दीदी में खुशी की भूमिका निभाई एक छः एक सात दो शून्य एक छः में उन्होंने जिग्सॉ पिक्चर्स के बैनर तले यूट्यूब पर रिलीज़ हुई दोस्त सफ़ी मदर डॉटर फिल्म में अभिनय किया 2017 में कौर ने नंदिनी में रानी चारुमती की भूमिका निभाई 2018 से 2020 तक उन्होंने सब टीवी के अलादीन नाम तो सुना होगा में राजकुमारी यास्मीन के रूप में अभिनय किया और फिर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 2020 के मध्य में शो छोड़ दिया 18 जून 2023 में कौर को ऋत्विक सहोरे के साथ मनीष तिवारी की चिड़िया खाना में देखा गया था 19 बीस उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कंगना रनौत की टीकू वेड्स शेरू में भी अभिनय किया 21 बाईस वह सनी सिंह के साथ लव की अरेंज मैरिज करेंगी गौरव चटर्जी एक भारतीय संगीतकार हैं एक दो उन्हें मुख्य रूप से जय मम्मी दी गिन्नी वे सनी आफत ए इश्क और जलसा जैसी फिल्मों के लिए संगीत रचना के लिए पहचाना जाता है तीन चार पांच गुटर गु का लोकप्रिय गाना कैसे अब कहेंगे उनके द्वारा संगीतबद्ध किया गया था आमिर बशीर एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं उनका जन्म 15 जुलाई 1970 को कश्मीर भारत में हुआ था उनका काम बॉलीवुड और स्वतंत्र सिनेमा दोनों में प्रसिद्ध है बशीर ने अभिनय के रूप में अपनी करियर शुरू की और उन्हें पीपली लाइव 2010 और अवेडनेस डे दो जैसी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए मान्यता प्राप्त हुई पीपली लाइव का निर्देशन अनुषा रिजवी ने किया था जबकि वेडनेस डे का निर्देशन नीरज पांडे ने किया था इन फिल्मों में उनकी प्रस्तुति को समीक्षकों से मान्यता मिली और वे एक्टर के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते रहे अभिनय के अलावा आमिर बशीर ने फिल्म निर्माण और निर्देश में भी कदम रखा है 2012 में उन्होंने अपनी पहली पूरी लंबाई फिल्म हरुद का निर्माण और निर्देश किया जो कश्मीर में एक युवा आदमी के जीवन के चारों ओर घूमती है फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इंटरनेशनल फिल्म में कई पुरस्कार जीते बशीर ने विभिन्न टेलीविजन शो सीरीज वेब सीरीज किरदार निभाया है उन्होंने लोकप्रिय भारतीय वेब सीरीज़ सेक्रेड सेक्रेड गेम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो विक्रम चंद्र के उपन्यास पर आधारित थी उनकी इस सीरीज़ में प्रस्तुति को समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने व्यापक रूप से सराहा आमिर बशीर को अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है कि वह जटिल पात्रों को व्यक्त कर सकते हैं और सूक्ष्म प्रदर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं उन्होंने विभिन्न शैलियों में काम किया है और विभिन्न जटिल भूमिकाओं को अन्वेषण किया है कृपया ध्यान दें कि यहां प्रदान की गई जानकारी सितंबर 2021 तक की उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और आमिर बशीर के संबंध में हाल के विकास या परियोजनाओं का हवाला नहीं है बीबीसी स्टूडियोज एक ब्रिटिश कंटेंट कंपनी है यह बीबीसी की एक वाणिज्यिक सहायक कंपनी है जिसका गठन अप्रैल 2018 में बीबीसी की वाणिज्यिक उत्पादन शाखा और बीबीसी की वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय वितरण शाखा बीबीसी वर्ल्ड वाइड के विलय के माध्यम से किया गया था बीबीसी स्टूडियो दुनिया भर में सामग्री का निर्माण विकास निर्माण वितरण प्रसारण वित्त पोषण और बिक्री करता है जो लाभांश और सामग्री निवेश के रूप में बीबीसी को सालाना लगभग पाउंड 200 मिलियन लौटाता है दो के द्वारा बनाई गई अविनाश अरुण ईशानी बनर्जी द्वारा लिखित ईशानी बनर्जी निशांत अग्रवाल शोएब नजीर निर्देशक अविनाश अरुण अभिनीत आमिर बशीर गीतिका विद्या ओहल्याण निमरत कौर शक्ति आनंद वीर पचीसिया चीसिया चीसिया तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस सीरीज पर बात की थी और तकरीबन सारे एपिसोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं साथ ही साथ सेक्शन थ्री के बारे में जो अपडेट थी वो भी मैंने आपको बता दी है मैं आपसे यही कहना चाहूँगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें सबसे पहले और चैनल पर नए हो तो हमारे ऑफिसल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल बेलाइकन दबाकर इसे पर सेट कर लें ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज़ या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर दें हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें तो दोस्तों इसके बारे में अब प्री प्रोडक्शन के बारे में कुछ और डिटेल है जो मैं आपको बताता हूँ और साथ ही साथ हम कवर करेंगे इसके कास्टिंग के बारे में यानी जो जो एक्टर आपको देखने को मिले उन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तों इनके बारे में जानना चालू करते हैं बीबीसी स्टूडियोज़ प्रोडक्शंस बीबीसी टेलीविज़न के अधिकांश पूर्व इनहाउस प्रोडक्शन विभागों को एक साथ लाता है तथ्यात्मक ड्रामा कॉमेडी दोनों को नए डिवीज़न में स्क्रिप्टेड के रूप में जोड़ा गया मनोरंजन और संगीत और कार्यक्रम तीन ब्रिटिश बच्चों की सामग्री को व्यापक वैश्विक बाजार में ले जाने की क्षमता बढ़ाने के लिए बीबीसी चिल्ड्रंस प्रोडक्शन अप्रैल 2022 से बीबीसी स्टूडियोज प्रोडक्शंस में स्थानांतरित होने के लिए तैयार है साथ ही बीबीसी थ्री की इन हाउस प्रोडक्शन टीम जो अप्रैल 2021 से जुड़ रही है चार बीबीसी न्यूज और बीबीसी रेडियो बीबीसी में अलग अलग आंतरिक उत्पादन प्रभाग बने हुए हैं हालांकि बीबीसी रेडियो कॉमेडी बीबीसी स्टूडियो का हिस्सा है और पूर्व बीबीसी टेलीविजन डिवीजन के बाकी हिस्से बीबीसी स्पोर्ट और बीबीसी आई प्लेयर सहित चैनल और शैली कमीशनिंग इसका हिस्सा है बीबीसी सामग्री प्रभाग बीबीसी स्टूडियो प्रोडक्शन डिवीजन का गठन 2016 में किया गया था और 2017 में एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में लॉन्च किया गया था पांच जिससे यह लाइसेंस शुल्क आय के पूरक के लिए बीबीसी पर लौटने के लिए लाभ उत्पन्न करने के लिए अन्य प्रसारकों और सेवाओं के लिए प्रोग्रामिंग का उत्पादन करने में सक्षम हो गया बदले में बीबीसी अपने अधिकांश गैर समाचार कार्यक्रमों के उत्पादन के लिए निविदा देने पर सहमत हो गया जिससे तीसरे पक्ष के स्वतंत्र लोगों को उनके निर्माण के लिए बोलियों पर बीबीसी स्टूडियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिल गई 2018 में बीबीसी स्टूडियो और बीबीसी वाइड के विलय ने कंपनी को अन्य प्रमुख बहुराष्ट्रीय स्टूडियो समूहों के बराबर ला दिया बीबीसी स्टूडियोज प्रोडक्शंस 2019 में ब्रिटेन में नई सामग्री का सबसे अधिक कमीशन वाला निर्माता था जिसमें बीबीसी और तीसरे पक्ष से 77 नए कमीशन थे इसने हजार उन्नीस बटा दो में तिहत्तर पुरस्कार और 202 नामांकन प्राप्त किए सात। बीबीसी स्टूडियो सैकड़ों स्वतंत्र निर्माताओं के साथ साथ अपनी स्वयं की उत्पादन टीमों द्वारा बनाए गए प्रारूपों और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करता है और 2018 हजार अठारह बटा दो में स्वतंत्र क्षेत्र को एक सौ एम लौटाया है आठ कंपनी 2021 हजार इक्कीस बटा दो तक बीबीसी को 1.2 बिलियन लौटाने के अपने पांच साल के लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है चार बीबीसी स्टूडियोज ने 2022 हजार बाईस बटा दो से पांच वर्षों में इसे 30 परसेंट बढ़ाकर 1.5 बिलियन के नए लक्ष्य तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है बीबीसी स्टूडियोज़ लिमिटेड को एक प्रोडक्शन कंपनी के रूप में पहली बार 27 फ़रवरी 2015 को पंजीकृत किया गया था 10 सितंबर 2015 में बीबीसी के जनरल डायरेक्टर ने गैर समाचार टेलीविज़न प्रोग्रामिंग टेलीविज़न प्रोग्रामिंग इकाइयों को एक अलग में विभाजित करने के प्रस्ताव की घोषणा की बीबीसी स्टूडियोज डिवीजन जो अंत बी के चार्टर के अगले संशोधन के हिस्से के रूप में बीबीसी ट्रस्ट की मंजूरी के साथ बीबीसी की लाभकारी सहायक कंपनी के रूप में बदल दिया जाएगा यह प्रस्ताव बीबीसी की इकाइयों को अन्य प्रसारकों और डिजिटल आउटलेट्स तैयार करने की अनुमति देगा जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय वितरण शाखा BBC बी वर्ल्डवाइड के साथ मिलकर किया जा सकता है बीबीसी की सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संपत्तियों के अलावा एक लाभकारी कंपनी के रूप में बीबीसी स्टूडियोज को अपने अधिकारियों और प्रतिभाओं को अधिक वेतन देने की अनुमति होगी और अब उन्हें सार्वजनिक इकाई की तरह जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा ग्यारह इस प्रस्ताव को द गार्जियन ने बीबीसी के तिरानवे साल के इतिहास में सबसे बड़े बदलावों में से एक के रूप में वर्णित किया था बारह प्रस्ताव ने स्वतंत्र स्टूडियो की आलोचना को आकर्षित किया जिन्होंने महसूस किया कि इसके परिणामस्वरूप एक सुपर इंडी का निर्माण होगा जो बीबीसी से गारंटी कार्यक्रम कमीशन से अनुचित रूप से लाभान्वित होगा विभाजन के हिस्से के रूप में बीबीसी ने अपने कार्यक्रमों के लिए निविदा देने की योजना बनाई ताकि स्वतंत्र निर्माता और बीबीसी स्टूडियो बीबीसी स्टूडियो को सौंपे गए शीर्ष शो जैसे डॉक्टर हूं इसके गैर समाचार प्रोग्रामिंग के निर्माण के अधिकारों के लिए बोली लगा सकें। 11. बीबीसी के एक प्रभाग के रूप में बीबीसी स्टूडियो का पुनर्गठन और गठन अप्रैल 2016 में पूरा हुआ 13 सितंबर 2016 में बीबीसी ने घोषणा की कि वह अगले ग्यारह वर्षों में अपने गैर समाचार कार्यक्रमों की शुरुआत करेगा खेल का एक प्रश्न जैसे कार्यक्रमों के साथ होलबी सिटी और स्तुति के गीत चौदह पंद्रह सोलह अक्टूबर 2016 में बीबीसी ने घोषणा की कि उसने अनावश्यक माने जाने वाले डिवीजन से तीन सौ कर्मचारियों को निकालने की योजना बनाई है 12 दिसंबर 2016 में बीबीसी स्टूडियोज ने घोषणा की कि वह टेंडरिंग योजना के संबंध में प्रोड्यूसर्स अलायंस सिनेमा एंड टेलीविजन पी के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है जिसमें कहा गया है कि वह इन हाउस गारंटी का कम से कम 40 परसेंट टेंडर देगा परिवर्तन की मंजूरी के दो साल के भीतर सत्रह बीबीसी ट्रस्ट ने बाद में एक वाणिज्यिक सहायक कंपनी के रूप में बीबीसी स्टूडियो के निर्माण को मंजूरी दे दी जिसकी प्रक्रिया अप्रैल 2017 में पूरी होने की उम्मीद है 16, 18, 19, 29 नवंबर 2017 को बीबीसी ने घोषणा की कि बीबीसी वर्ल्डवाइड को 1 अप्रैल 2018 से बीबीसी स्टूडियो में विलय कर दिया जाएगा बीबीसी ने कहा कि एक इकाई के भीतर अपने प्रोग्रामिंग के उत्पादन और बिक्री दोनों को संभालने से यह दक्षता में सुधार करेगा और इसके अनुरूप होगा अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनियों के वैश्विक मानदंड बीस इक्कीस तकनीकी रूप से बीबीसी वेंचर्स ग्रुप लिमिटेड नाम 3 अप्रैल 2018 को बीबीसी स्टूडियोज ग्रुप लिमिटेड और ग्रुप लिमिटेड स्टूडियोज लिमिटेड रखा गया 22 अक्टूबर में भी 2015 में स्थापित प्रोडक्शन कंपनी का नाम बदलकर बीबीसी स्टूडियोज प्रोडक्शन लिमिटेड कर दिया गया दस और इसी तरह बीबीसी वर्ल्ड वाइड लिमिटेड भी कर दिया गया जिसका नाम बदलकर बीबीसी स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कर दिया गया तेईस 20 अप्रैल 2019 में बीबीसी स्टूडियोज ने डिस्कवरी इंक के साथ विभिन्न समझौतों की घोषणा की कंपनियां अपने यूके टीवी संयुक्त उद्यम को तोड़ने पर सहमत हुई जिसमें डिस्कवरी नेटवर्क इंटरक्टिव की खरीद के बाद यूके टीवी में हिस्सेदारी हासिल की थी यूके टीवी के लाइफ चैनलों में बीबीसी की हिस्सेदारी हासिल कर ली और बीबीसी स्टूडियो ने इसी तरह यूके टीवी के मनोरंजन चैनलों में डिस्कवरी की हिस्सेदारी हासिल कर ली वीडियो ऑन डिमांड सेवा यूकेटी प्ले इसके अलावा डिस्कवरी ने दुनिया भर में अपनी सामग्री के लिए विशेष सदस्यता वीडियो ऑन डिमांड इकार प्राप्त करने के लिए बीबीसी की नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ 10 साल के समझौते की घोषणा की जिसे आगामी वैश्विक स्ट्रीमिंग ब्रांड में शामिल किया जाएगा और एक विकास टीम को सह वित्त पोषित करें डिस्कवरी ने पहले 2013 तक नेचुरल हिस्ट्री यूनिट यूएस पार्टनर के रूप में काम किया था चौबीस पच्चीस अगस्त 2019 में बीबीसी स्टूडियो ने डॉक्टर हु दी ऑनरेबल वुमन गियर जैसे शीर्ष टॉप गियर के पिछले सीजन के स्ट्रीमिंग अधिकारों के लिए वार्नर मीडिया के आगामी एच मैक्स के साथ एक दीर्घकालिक समझौते की घोषणा की छब्बीस जनवरी 2020 में इसने CW Seed, CW द्वारा संचालित एक वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म वार्नर मीडिया के सह वाला एक टेलीविजन को चौदह श्रृंखलाओं के सेकेंड विंडो विंडो स्ट्रीमिंग बेच दिए सत्ताईस नवंबर 2020 में बीबीसी स्टूडियोज 2019 हजार उन्नीस बटा दो यूके पे गैप रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें पता चला कि सभी औसत वेतन अंतराल अब 10 परसेंट से कम थे और महिलाओं ने तिरपन दशमलव दो परसेंट नेतृत्व भूमिकाएं निभाई रिपोर्ट में पहली बार स्वेच्छा से जातीयता विकलांगता और कामुकता के आधार पर बीबीसी स्टूडियो बोनस अंतराल का खुलासा किया गया है साथ ही बीबीसी स्टूडियो के समग्र बोनस वेतन अंतराल बनाने वाले तीन भुगतान प्रकारों पर अधिक विवरण भी दिया गया है अट्ठाईस नवम्बर नवंबर 2020 में बीबीसी स्टूडियो प्रोडक्शंस ने घोषणा की कि वह अपनी सामग्री और टीमों में विविधता और समावेशन में सुधार के लिए नए कदम उठा रहा है जिसमें कंटेंट निदेशक राल्फ ली के नेतृत्व में एक इन्क्लूजन राइडर भी शामिल है इसमें काले एशियाई अल्पसंख्यक जातीय बीएमआई पृष्ठभूमि से आने वाले सभी नए बीबीसी और तीसरे पक्ष के यूके कमीशन पर ऑन स्क्रीन प्रतिभा और उत्पादन टीमों के न्यूनतम 20 परसेंट लक्ष्य की प्रतिबद्धता देखी गई है जिनके पास विकलांगता का अनुभव है या कम आय वाली पृष्ठभूमि से होना इनमें से किसी एक पृष्ठभूमि से स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड प्रोडक्शन टीमों में कम से कम एक वरिष्ठ भूमिका के लक्ष्य के लिए एक अतिरिक्त प्रतिबद्धता भी थी तीस इक्कीस फरवरी 2021 में बीबीसी स्टूडियोज ने उत्तरी अमेरिका में एक नया स्ट्रीमिंग ब्रांड लॉन्च किया जिसे बीबीसी सेलेक्ट के नाम से जाना जाता है जो तथ्यात्मक सामग्री के लिए समर्पित है बत्तीस बाईस फरवरी 2021 को बीबीसी स्टूडियोज ने गोबस्टॉपर ग्रुप के साथ एक फर्स्ट लुक डी पर हस्ताक्षर किए तैतीस मार्च 2021 में यह घोषणा की गई थी कि बीबीसी चिल्ड्रंस प्रोडक्शंस और बीबीसी ग्लोबल न्यूज इकाइयों को भी बीबीसी स्टूडियो में स्थानांतरित किया जाएगा परिवर्तन के साथ बीबीसी स्टूडियोज बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के लिए अंतरराष्ट्रीय वितरण और विज्ञापन बिक्री संभालेगा जबकि सार्वजनिक सेवा बीबीसी न्यूज ऑपरेशन चैनल का संपादकीय नियंत्रण ग्रहण करेगा चौंतीस पैंतीस हाल ही में स्टूडियो ने एबोनी लाइफ मीडिया के साथ एक विकास समझौता किया था जो मो अबुदू की अध्यक्षता में सोनी पिक्चर्स टेलीविजन संबद्ध था छत्तीस अगस्त 2022 में यह पता चला कि बीबीसी स्टूडियोज ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़लेटर व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई है जो शुरू में कनाडा और अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करेगा जो भारत के बाद बीबीसी का दूसरा सबसे बड़ा गैर यूके समाचार बाजार है सैतीस जून 2023 में बीबीसी स्टूडियोज ने स्कैंडिनेवियाई प्रोडक्शन कंपनी एसटीवी स्कॉटलैंड के एस ग्रुप के साथ भ्रमित न हो के अधिग्रहण की घोषणा की कोपेनहेगन स्थित कंपनी का नाम बीबीसी स्टूडियो नॉर्डिक प्रोडक्शंस रखा जाएगा तो दोस्तों अब हम एक और सीरीज के बारे में जानते हैं जिसके अंदर आपको आमिर देखने को मिले हैं उसे सीरीज का नाम है बशीर ए सूटेबल बॉय इस सूटेबल बॉय एक बीबीसी टेलीविजन ड्रामा मिनी सीरीज है जो मीरा नायर द्वारा निर्देशित है और विक्रम सेठ के उन्नीस के इसी नाम के उपन्यास से एंड्रयू डेविस द्वारा अनुकूलित है स्वतंत्र भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित ए सूटेबल बॉय उत्तर भारत में चार जुड़े हुए परिवारों की कहानी है जहाँ कहानी श्रीमती रूपा मेहरा के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी सबसे छोटी बेटी लता के लिए एक उपयुक्त पति की तलाश में है इस बीच बेटी अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्य और अपने प्रेमी के साथ रोमांस के विचार के बीच फंसी हुई है एक श्रृंखला में तानिया मानिकतला मुख्य किरदार लता के रूप में हैं उनके साथ तब्बू ईशान खट्टर रसिका दुग्गल माहिरा कक्कड़ राम कपूर नमित दास विवान शाह मिखाइल सेन दानश रिजवी शहाना गोस्वामी रणवीर शौरी विजय वर्मा और कुलभूषण खरबंदा हैं प्रमुख भूमिकाएं क्योंकि इसकी कहानी में 110 से अधिक पात्र हैं दो यह बीबीसी की पहली पीरियड ड्रामा सीरीज है जिसमें गैर श्वेत कलाकार हैं तीन श्रृंखला के रूपांतरण की आधिकारिक घोषणा मई 2017 में बीबीसी की सामग्री प्रमुख चार्लोट मूर द्वारा की गई थी चार और मीरा नायर ने श्रृंखला का निर्देशन करने की घोषणा की थी श्रृंखला का मुख्य शूट सितंबर 2019 में हुआ था श्रृंखला को प्राथमिक स्थान के रूप में लखनऊ और महेश्वर और कानपुर में भी फिल्माया गया था श्रृंखला के लिए पृष्ठभूमि संगीत एलेक्स हेफ्स और अनुष्का शंकर द्वारा तैयार किया गया था कविता सेठ ने गानों के लिए संगीत दिया था इसकी तस्वीर सिनेमेटोग्राफर डेकलान क्विन ने निक फेंटन और तनुप्रिया शर्मा के साथ श्रृंखला का संपादन करते हुए ली थी सूटेबल बॉय का प्रीमियर 26 जुलाई से 24 अगस्त 2020 तक यूनाइटेड किंगडम बीबीसी वन पर किया गया था पांच इसका वैश्विक प्रीमियर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स उत्तरी अमेरिका और चीन को छोड़कर पर किया गया था जिसके सभी छह एपिसोड 23 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए थे छह सात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में श्रृंखला का प्रीमियर 7 दिसंबर 2020 को एकॉर्न टीवी पर हुआ आठ श्रृंखला को आलोचकों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन और सेटिंग्स की प्रशंसा की लेकिन भारत के रूढ़िवादी चित्रण लेखन और निर्देशन की आलोचना की इस सूटेबल बॉय उन्नीस सौ आज़ादी के बाद के विभाजन के बाद के भारत पर आधारित है उपन्यास 18 महीनों के दौरान चार परिवारों का वर्णन करता है और श्रीमती रूपा मेहरा माहिरा कक्कड़ और उनकी छोटी बेटी लता मेहरा तान्या मानिकतला की एक उपयुक्त लड़के से शादी की व्यवस्था करने के उनके प्रयासों पर केंद्रित है लता एक 19 वर्षीय विश्वविद्यालय छात्रा है जो अपनी दबंग माँ या मनमौजी भाई अरुण मेहरा विवेक गोम्बर से प्रभावित होने से इनकार करती है उसकी कहानी उस विकल्प के इर्द गिर्द घूमती है जिसे उसे अपने प्रेमी के बीच मजबूर किया जाता है एपिसोड एक की शुरुआत सविता मेहरा और प्राण कपूर की शादी से होती है मेहरा परिवार में चार भाई बहन हैं। अरुण मीनाक्षी से विवाहित उनकी एक बेटी अपर्णा है और कलकत्ता में रहती है सविता वरुण लता और उनकी मां रूपा शादी के दौरान रूपा लता से कहती रहती है कि वह शादी के लिए अधिक कतार में है लता ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में साहित्य की छात्रा है वह स्वतंत्र विचारों वाली है और जीवन में अपना रास्ता खुद बनाना चाहती है उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में इतिहास के छात्र कबीर दुर्रानी से होती है उसके साथ कुछ मुलाकातों के बाद उसने फैसला किया कि वह उसे पसंद करती है और उससे गुप्त रूप से मिलने की व्यवस्था करती है क्योंकि वह एक मुस्लिम है और उसके परिवार को आपत्ति होगी समानांतर सेटिंग में कपूर परिवार की कहानी दिखाई गई है महेश कपूर पूर्व प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हैं वह राज्य विधानसभा में अत्यंत महत्वपूर्ण जमींदारी विधेयक को आगे बढ़ा रहे हैं वह अपनी पत्नी और सबसे छोटे बेटे मान के साथ रहता है जो अपने पिता के दम पर नहीं चलना चाहता मान एक गायिका और वेशा सईदाबाई पर मोहित हो जाता है जो उससे उम्र में बहुत बड़ी है एपिसोड दो लता और कबीर छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते रहते हैं मान भी नियमित रूप से सईदा से मिलने जाता है रूपा को लता और कबीर के बारे में पता चलता है और वह फैसला करती है कि परिवार कलकत्ता जाएगा मान नशे में घर लौटता है और उसके पिता उसे बाहर निकाल देते हैं सईदा कहती है कि उसे उसकी बहन के शिक्षक के पास जाकर रहना चाहिए मीनाक्षी मेहरा परिवार को एक पार्टी में ले जाती है जहां लता की मुलाकात मीनाक्षी के भाई अमित से होती है जो एक उच्च सम्मानित कवि है। तीन अमित लता को शहर दिखाता है और वे दोस्त बन जाते हैं रूपा एक उपयुक्त लड़का ढूंढने के लिए लखनऊ में एक दोस्त से मिलने जाती है मान रशीद के पिता द्वारा गरीबी और दुर्व्यवहार का गवाह है वह गांव वालों के बीच लोकप्रिय हो जाता है लेकिन वह सईदा के पास लौटना चाहता है रूपा का परिचय हरेश से होता है और वे उसकी जूता फैक्ट्री का दौरा करते हैं रात के समय लता के दर्शन किए जाते हैं फिरोज सईदा की बहन तस्नीम से छिपकर मिल रहा है रूपा और लता कलकत्ता लौट आईं। भगदर के दौरान प्राण सविता और श्रीमती महे तीम है। तीम है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्कूल ऑफ लाइफ के बारे में बात किया इसके सेक्शन वन में तकरीबन आठ एपिसोड थे आठ के आठ आपको एक्सप्लेन किए साथ ही साथ इसका रिव्यू किया और क्या आपको ये देखना चाहिए और आप कहाँ देख पाओगे सारी डिटेल यानी टोटल मिलाकर सब कुछ मैंने आपको बताया साथ ही साथ इसके कैरेक्टर के बारे में जाना प्री प्रोडक्शन के बारे में जाना साथ ही साथ सेक्शन टू की अपडेट के बारे में मैंने आपको कई अपडेट बताए तो जैसे कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं छोटी सी वीडियो लाकर आपको एक तरह तो से नोटिस कर दूंगा आप जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पर तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा कर इसी हेल्पर सेट कर लें और साथ ही साथ दोस्तों जिस भी सीरीज़ या मूवी के बारे में आपको जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में जाना तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में